भाई साहब, इंडियन सिनेमा में तीन ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका डंका सिर्फ इंडिया में नहीं भाई साहब, ग्लोबली भी बसता है। इनकी छोटी सी चिंगारी जब इनके तरफ से निकलती है तो सिर्फ सिर्फ इंडिया में तबाही नहीं मचती है, ग्लोबली इंटरनेशनली भी उसकी गूंज, उसका धमाका उनको फील होता है, महसूस होता है। जिसमें से भाई मेरी नज़र में तीन ऐसे हैं, जिसमें से पहले हैं अपने ग्लोबल स्टार शाहरुख खान, जो पिछले साल लगातार ट्रेंड पर रहे हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली हिट करके गए हैं। एंड सेकेंड में भाई साहब, जिसकी साइनिंग को कोई ओवर शैडो नहीं कर सकता, चाहे वो कैसी भी मूवी निकाल के लाए, लेकिन अगले ही पल वो अपनी फॉर्म बरकरार रख लेते हैं, प्रभास अन्ना। कौन बोल सकता है इनको भाई साहब, सलार से जो नाम कमाए, देन उसके बाद अभी कल की 2898 इस साल जो मूवी आने वाली है, फाइन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी होने वाली है, जो ब्लॉकबस्टर का धमाका अभी से गूंजते नजर आ रहा है, सुनाई आ रहा है। देन उसके बाद थर्ड माय फेवरेट डेडलीस्ट स्टाइलिस्ट अल्लू अर्जुन, जिसका भी स्टाइलिस्ट स्टैचू बनाया गया है, उनको एक लेगेसी, मतलब उनकी लेगेसी को जो ट्रिब्यूशन दिया गया है भाई साहब, बहुत औसम है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूज उनकी तरफ से ये निकल कर आ रही है, क्योंकि पुष्पा 2 द रूल, जिसके लिए वेट है, क्योंकि जब ये बंदा आया था फ्लावर नहीं फायर है, मैं किसी के साथ में झुकेगा नहीं, और बाय गॉड वो झुकते नजर नहीं आ रहा था भाई साहब। पुष्पा मूवी को कौन भूल सकता है, जिसका सेकंड सिक्वल हमें अभी अगस्त में देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ बहुत सी बॉलीवुड मूवीज का क्लैशेस भी दिखाया जा रहा है। फिलहाल इतना ज्यादा कंफर्म नहीं है कि अगस्त में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके टीजर की डेट कंफर्म हो चुकी है, कब, 8 अप्रैल को हमें पुष्पा 2 द रूल यानी पुष्पा सेकंड पार्ट दोबारा से उसका टीजर देखने को मिलने वाला है, यानी फ्लावर नहीं फायर है मैं दोबारा से देखने को मिलेगा, यानी एक न्यू एनर्जी के साथ मैं झुकेगा नहीं, और इसमें कितना दम होने वाला है भाई साहब वो हमें टीजर में पता लग जाए, क्योंकि इसके सामने जब फर्स्ट ग्लिम्स निकाला गया था, फर्स्ट लुक निकाला गया था भाई, उसी में तबाही मच गई थी। और इन तीनों सुपरस्टार से जो भी छोटी सी अपडेट निकलती है वो सोशल मीडिया को फाड़ने तक की दम रखती है, औकात रखती है। लाइक अभी पुष्पा 2 द रूल से जो अभी छोटी सी यही अपडेट आई कि 8 अप्रैल को हमें टीजर मिल जाएगा, भाई साहब सोशल मीडिया पर स्टॉर्म चल रहा है, तूफान चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ओवर शैडो करने के लिए बड़े इवेंट नहीं चल रहे, भाई साहब गॉडजिला एक्स कॉन्ग के लिए बहुत वेट कर रहे थे लोग, वो अभी इस टाइम चल रही है। क्रियो मूवी चल रही है, देन उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन की द गोट लाइफ मूवी आई है, वो भी चल रही, तो हाइप बरकरार है सोशल मीडिया पर, इनका ट्रेंड दमदार चल रहा है, लेकिन इन ट्रेंड को भी ओवर शैडो करके गया है पुष्पा 2 द रूल का। फिलहाल मैं ये वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि अभी क्रू मूवी का भी रिव्यू करना बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि भाई साहब अल्लू अर्जुन के जो फैंस हैं और इस मूवी के लिए जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो किंगडम इन्होंने तैयार किया है पुष्पा फर्स्ट पार्ट से, जो एम्पायर भाई साहब अल्लू अर्जुन ने सेट किया है, अपने पुष्पा भाऊ ने सेट किया है, वो अभी यहाँ रूल करने वाला है, जो सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि आप एक बार एक साम्राज्य को जीत लोगे, लेकिन उस साम्राज्य को मेंटेन करना, उसे बरकरार रखना भाई साहब सबसे हैवी टास्क होता है। वो आपने कहानी सुनी होगी कि सफ़ेद हाथी खरीद लो, लेकिन सफ़ेद हाथी की जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत बड़ी होती है। लाइक अगर आप BMW कार खरीद लो, एक बार में खरीद तो लोगे, लेकिन उसका जो खर्चा उठाओगे वो कैसे मेंटेन कर पाओगे, वो यहाँ पर अल्लू अर्जुन के ऊपर वो तलवार लटकते नजर आ रही है। तो भाई वहाँ से बहुत एक्साइटमेंट था, अब यहाँ क्या होने वाला है नया जरूर बता के जाना। बाकी भाई बहुत सी थ्योरीज भी निकल रही हैं, फैंस का एक्सपेक्टेशंस निकल रहे हैं, मतलब फैंस तो सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल ऑडियंस खुद इसको सपोर्ट कर रही है, और डाई हार्ड फैन तो उसको सपोर्ट कर ही रहे हैं। मतलब टीजर आएगा तो भाई अभी से प्रिडिक्शन सेट हो रही है कि 6 मिनट के अंदर अंदर 1 लाख व्यू चाहिए, या फिर 50,000 क्या कहते हैं लाइक्स चाहिए, देन उसके बाद कहा जा रहा है कि 1 ही घंटे के अंदर अंदर भाई साहब 10 मिलियन व्यूज क्रॉस होने चाहिए, 1 मिलियन प्लस लाइक्स होने चाहिए, बहुत कुछ। बाकी वेट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।